स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माथा क्लासेस में। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में आपसे एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। तो चिल्ड्रेंस, एज यू नो दैट, आप जैसे कि जानते हो कि एटम्स जो होता है, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस, इसके कारण इट इज वेरी डिफिकल्ट, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है टू कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ इंडिविजुअल एटम। तो चिल्ड्रेंस, जैसे क्या है कि हाइड्रोजन आपका सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है, रेडियस इसका सबसे छोटा बताए थे। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास मिला बच्चों, वो क्या था, 1.673 × 10⁻², ठीक है, ग्राम। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना छोटा एटॉमिक मास था, काफी स्मॉल था। तो एट द स्टार्टिंग चिल्ड्रेन क्या था, वी कंपेयर द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को कंपेयर किया गया दूसरा एलिमेंट का इसके साथ, ठीक है। तो कंपेयर करके रेफरेंस निकाला गया, तब उसको क्या कैलकुलेट किया गया आपको, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया, ठीक है, किसके साथ कंपेयर करके, हाइड्रोजन के साथ, बाकी और एलिमेंट का कंपेरिजन करके, बिकॉज चिल्ड्रन इट इज वेरी डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट था। और इसका जो स्केल बना, स्केल का नाम रखा गया एटॉमिक मास स्केल। बट चिल्ड्रेंस, इट रेफरेंस, ये रेफरेंस को लिया नहीं गया, यहाँ क्या पाया गया कि ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग जो कि हम लोग हाइड्रोजन से, तो मास जो मिला एलिमेंट्स का वो किसमें मिला, ज्यादातर फ्रैक्शन में मिलने लगा, ठीक है। और फ्रैक्शन में मिलने के कारण क्या किया गया, इट इज कंपेयर विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जैसे होता है, तो ऑक्सीजन का मास कितना था आपका, यह 16 माना गया, तो ये 16 को एक यूनिट माना गया, समझ गए, ये 16 जो यू था इसको क्या माना गया, उसका मास को एक यूनिट माना गया, 1U, ठीक है, 1U। ये बाद में क्या गया था, AMU, एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो मास था 16, उसको 1U माना गया, ठीक है। और क्या किया गया, इसको ऑक्सीजन का उसमें कंपेयर किया गया, ठीक है। तो इसका पहला रीजन था बच्चों कि ये जो ऑक्सीजन था कंबाइंड करता था, ठीक है, कंबाइंड जो था, कंबाइंड विथ अदर मोस्ट एलिमेंट, विथ मोस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ मोस्ट द एलिमेंट, बाकी जितना एलिमेंट था सबके साथ ये कंबाइंड करके कंपाउंड बनाता था, ठीक है। अब इससे क्या था कि जब हम लोग कंपेयर करते थे, ठीक है, तो दूसरा रीजन, ठीक है, बाय कंपेयरिंग विथ O2 टेकन एज, ठीक है, 16, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट फाउंड होल नंबर, क्या मिला, द रिलेटिव जो एटॉमिक मास निकला आपका, एटॉमिक मास का निकला हम लोग का मोस्ट ऑफ एलिमेंट, मोस्ट ऑफ एलिमेंट फाउंड होल नंबर, फाउंड होल नंबर मिला, इस कारण से लिया गया। लेकिन बच्चों क्या हुआ, इस 1961 में क्या किया, IUPC जो बना, ठीक है, IPAC, ठीक है, ये कंपेयर करके क्या बताया कि नहीं, लेके कार्बन 12, कार्बन का जो आइसोटॉप्स होता है उसके साथ कंपेयर करके एटॉमिक मास को निकाला गया, ठीक है, कारण के कार्बन का 2 आइसोटॉप्स है। आप ऐसे समझ सकते हो, या कैसे कंपेयर किया, जैसे आप कोई फल, जैसे आप फ्रूट्स ले लो, कोई 2 फ्रूट्स ले लिए हम लोग, जैसे ये मान लो है एप्पल ही है आपका, थोड़ा देर कंसिडर कर लेते, एक जैसे वाटर मेलन है बड़ा सा, हम लोग का कि इस वाटर मेलन को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिए, कितना पार्ट में, 12 पार्ट में डिवाइड किए,
और इसके साथ बीम बैलेंस में कंपेयर किए, ठीक है, ये दो एप्पल जो है इस पार्ट के इक्वल था 12 पार्ट में, तो ये क्या हो गया, ये दोनों एप्पल जो था क्या था, ये वाटरमेलन का 1/12 हो गया, ठीक है, तो 1/12 हो गया। तो अब बच्चों क्या हो गया, इसका डिफिनेशन आप जो लिखोगे, ठीक है, आइसोटॉप से जो है कार्बन का 12 का लिया गया तो एटॉमिक मास 12 था, इसको क्या माना गया उसमें 1 U माना गया, एक यूनिट, ठीक है, कार्बन 12 का जो आइसोटॉप था। तो हम लोग डिफाइंड कैसे अब करेंगे बच्चों, देखो द एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ इट्स एटम्स, ठीक है, एज कंपेयर्ड विथ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप टेकन 12 यूनिट, ठीक है, इस टाइप से हम लोग का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, या आप ऐसे इसका भी लिख सकते हो डेफिनेशन, ठीक है, दूसरा टाइप से लिख रहे हैं हम, जैसे क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट आपके मे बी डिफाइंड, आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, ठीक है, ऑन द एटॉमिक मास स्केल दैट इज 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो आप ये दोनों में से कोई एक डिफिनेशन याद आपको करना जरूरी है बच्चों, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब बच्चों कुछ हम आपको एटॉमिक मास का लिख के बता रहे हैं, यू मस्ट बी मेमोराइज इट, इसको आप याद जरूर करोगे, ठीक है, हम सिंबल के साथ आपको फटाफट लिख रहे हैं और आप याद करोगे। जैसे हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, ठीक है, हीलियम का हो गया आपका 2, लिथियम 7, ठीक है, ब्रोन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन आपका होता है 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन आपका होता है 20, ठीक है, सोडियम 23, Mg मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं 24 है, एल्युमिनियम Al 27 होता है, ठीक है। अब देखो जैसे फास्फोरस है P, इसका हो गया 31 याद रखना, सल्फर का होता है 32 याद रखोगे, ठीक है, क्लोरीन Cl है 35.5, ठीक है, आर्गन है इसका आपको 40 याद रखना है, पोटासियम 39, कैल्शियम 40, ठीक है, आयरन का होता है आपका 56, Cu कॉपर का हो गया 63.5, जिंक का हो गया आपका 65, ठीक है, Ag सिल्वर हो गया 108, Pt प्लेटिनम का हो गया आपका 195, Au जिसको हम लोग आपका गोल्ड बोलते हैं,
ठीक है, तो AU का कितना है, 197 होगा। ठीक है, PB का आपका 207 है, यूरेनियम 238। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखोगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड चिल्ड्रेंस, इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। तो ये आप फटाफट एक बार लिख के, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना जरूरी है बच्चों। कम से कम 26 आपका 9-10 में काफ़ी जरूरी है। तो हम सिंबल के साथ इसके सामने मास लिखे हैं, इसमें मास में सबका यूनिट आपका यू रहेगा। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में हम लोग सिर्फ यू लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रेंस।